हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। ये जो आज का लेक्चर है ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड है और मैंने जैसा कहा भी था कि आपको वन वीक का वो न्यूज़ मिलता रहेगा और ये जो न्यूज़ है ये करंट अफेयर्स का ये पेपर बेस्ड है, न्यूज़पेपर बेस्ड है, इसलिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, क्योंकि अब हर कमीशन ने प्री के एग्ज़ाम में या मेंस के एग्ज़ाम में इसने पैटर्न काफ़ी चेंज कर दिया है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस करंट अफेयर्स के लेक्चर को अच्छे से देखिए, उसको और नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, इसके साथ साथ चूँकि बिहार जुडिशरी मेंस का पेपर भी डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग उम्मीद से और आप लोग अच्छे से देखिए भी और तैयारी भी अच्छे से करिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बिहार जुडिशरी का अब मैं सारे पेपरों का जो है वो डालूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बेस्ट होने के नाते मैं नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब जरूर रेगुलर कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि ये मार्च के फर्स्ट वीक का है पेपर का, फर्स्ट मार्च से सेवन मार्च तक है ये। ठीक है, इसको आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें जो जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं उसको आप अच्छे से रिविज़न करिएगा और हम शुरू करते हैं इसमें डिस्कशन करना। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो वो है कि 1988 बैच के जो अधिकारी हैं सत्येंद्र प्रकाश को लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान निदेशक बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रधान निदेशक बनाया गया, इसको आप अच्छे देख लीजिए। ठीक है, दूसरा न्यूज आपको बताते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 स्वास्थ्य सेवाओं को टीकाकरण अभियान के पैनल में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको जानते रहिएगा। कौन कौन है? पहला देखिए है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल है। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, ठीक है, ये दूसरी योजना इसमें शामिल की गई है। और तीसरी योजना जो है क्या है वो राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो इन 3 सेवाओं को क्या कर दिया गया है, वो बेसिकली टीकाकरण अभियान के पैनल में शामिल किया गया। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं, एक है कैच द रेन। अब कैच द रेन ये प्री में एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के भी इंपॉर्टेंट है। आगे कैच द रेन क्या है, तो अब प्री में बनाता तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर लिखने का आगे तो भी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये लेक्चर करंट अफेयर्स का प्री मेंस दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए कैच द रेन क्या है, ये अभियान वर्षा जल के संचय के लेकर देश भर में यहाँ पे कितने दिनों तक, 100 डेज तक, देखिए 100 डेज तक चलाए जाने वाला अभियान है जिसमें सरकार के 7 मंत्रालय हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो इस न्यूज़ को आपके लिए याद रखना। आपको अगला देखिए, मेरी टाइम 2021 क्या है, तो मेरी टाइम देखिए पहली बात यानी कि जहाज रानी मंत्रालय द्वारा 23 राष्ट्रीय जलमार्ग को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो अब ये पहली बात जानिए कि ये पूछता है कि मेरिटाइम 2021 क्या है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। दूसरा पूछेगा आपको एग्जाम में कि ये इसमें ये किस मंत्रालय के द्वारा योजना शुरू की गई है, तो ये मंत्रालय के नाम देखिए है यहाँ पर क्या है कि ये मंत्रालय जहाज रानी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कितने राष्ट्रीय जलमार्ग को विकसित किया घोषणा की है, 23 राष्ट्रीय मार्ग। ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे देखिए और उसको अपनी कॉपी में तैयार करिए। ठीक है, अब इसमें जिसके बाद इंपॉर्टेंट है इसमें ये न्यूज़ है वो है कि एज ऑफ यहाँ पर इसको एज कर लीजिएगा, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और इसके जो मंत्री हैं हरदीप पुरी द्वारा ये जारी किया गया। इसमें बेसिकली क्या है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनको उसमें ये देखा गया कि जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें एज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पर जो बेंगलुरु है वो फर्स्ट रैंक पर है। बेंगलुरु क्या है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और 10 लाख से कम वाले में यहाँ पे शिमला को फर्स्ट रैंक दी गई है। तो ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स जो है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉलम में जितने न्यूज़ हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इस कॉलम में, आते हैं देखिए इस कॉलम में क्या है। इस कॉलम में जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है कि देखिए USA में भारत के राजदूत वर्तमान समय में कौन है, तरनजीत सिंह संधू। अब देखिए ये एग्जाम में प्री में पीटी में पूछ देता है
और मेंस में कैसे पूछेगा, मेंस में यहाँ पे ये पर्सनालिटी के रूप में पूछ देगा, व्यक्तित्व के रूप में, कि तरनजीत सिंह संधू कौन है। अब बिहार मेंस में अगर आप दे रहे हैं तो बिहार मेंस पूछ देगा, एमपी में प्री में पूछ देगा, या और आने वाले और परीक्षाओं में पूछ देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आपको देखना है कि तरनजीत संधू क्या है, भारत के राजदूत वर्तमान समय में अमेरिका में है, ठीक है। इसलिए ये जीके का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए वर्ल्ड बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर ये इसका आयोजन 6 से 12 मार्च नई दिल्ली में हुआ, 6 से 12 मार्च 2021 ये सॉरी 2020 क्या है ये कहाँ पे हुआ ये इसको हाँ यहाँ पे क्या हुआ 6 से 12 मार्च नई दिल्ली में हुआ है, तो इसको भी आपको देखना है, ठीक है। पूछ देता है कि वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पे हुआ है, तो उस कालम में नई दिल्ली आपको आ गया, ठीक है। इसकी जो थीम थी, थीम देखिए थीम क्या थी, क्योंकि थीम भी पूछता है, थीम का जो सब्जेक्ट हो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई भारत सरकार द्वारा उसके बारे में इसकी थीम बनाई गई है, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सिंधु नेत्र ये क्या है, पहले सिंधु नेत्र क्या है, तो यहाँ पर जानना है कि यह एक उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट, यह क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है, और जिसे पी एस एल वी सी फिफ्टी वन से प्रक्षेपित किया गया, जान जाएगा, देखिए इस तक पढ़िएगा, PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये व्हीकल होता है, इसी के द्वारा जो है बड़े बड़े उपग्रहों को क्या करता है, लॉन्च किया जाता है। ये इसका क्या है, PSLV C-51 है, इसको याद रखिए, ये प्री के लिए बता रहा हूँ बार बार, कि प्री में भी पूछेगा और मेंस में भी पूछ देगा ये, तो ये हो गया। और इसमें कुल कितने उपग्रह को शामिल किया गया, इसमें कुल 19 उपग्रह को क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या दिया, इसमें 14 उपग्रह किसके हैं, अमेरिका के हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 14 उपग्रह अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं, और उसके बाद जो 5 उपग्रह हैं वो किसके हैं, वो इंडिया के हैं। तो ये बेसिक पॉइंट प्री के लिए, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट आपको, ठीक है। अब आगे देखिए इसी में और चीज़ क्या दे रहा है, कि ये उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है, तो ये भी पूछ देता है कि कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए एग्जाम के लिए अगला पॉइंट है कि इसी में कि 5 भारतीय उपग्रहों में, 5 जो भारतीय उपग्रह थे, ठीक है, उसमें से क्या है, SDSAT द्वारा पहली बार किसके बारे में, मोदी और भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता की डिजिटल तस्वीरें अंतरिक्ष में भेजी गई, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि किस किस की जो है, क्योंकि 19 में 5 भारतीयों की है, तो 19 में 5 में पहली बार जो है इसमें जो उपग्रह है SDSAT, इसमें मोदी को और भगवद गीता की डिजिटल तस्वीरें अंतरिक्ष में भेजी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे उसके बाद जो है फिर जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका वो न्यूज़ है वो ये है कि यह इसरो का दूसरा पूर्ण रूप से व्यावसायिक प्रक्षेपण है, देखिए ये भारत की विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्ध है कि अमेरिका जैसा देश जो है भारत के साथ में साथ मिलकर के टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसरो का ये दूसरा पूर्ण रूप से व्यावसायिक प्रक्षेपण था, तो इस न्यूज़ को आप पढ़िए, हर दूसरे दिन मैंने बताया कि आपको इस पर न्यूज़ मिलता रहेगा, उसको आप देखते रहिए, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है ना ये हर जुडिशियली सर्विस और सिविल सर्विस दोनों के लिए उपयोगी है, ये तो मैं आपको हर दूसरे दिन देने का वादा करता हूँ। इसके साथ साथ जिन लोगों को बिहार जुडिशियल मेंस का भी देना है उनके लिए भी अब हर पेपर का सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उनके कम से कम 2 क्वेश्चन में क्या करूँगा, फ्रेमिंग करूँगा, ठीक है। और इसको आप देखते रहिए और ये लगभग हर दिन आएगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि 4 पेपर इसमें हैं, कॉमर्शियल लॉ का पेपर है, टार्ट कॉन्टेक्ट का पेपर है, ठीक है, TPA का पेपर है, और हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इस पर भी आएगा, आप इसकी अच्छी तैयारी करिए और चैनल से जुड़े रहिए, इसको खूब लाइक सब्सक्राइब करिए, देते रहिए, क्योंकि अब मैं फिर आपको एक बार मेंस के लिए आपकी तैयारी ज़बरदस्त करवाऊंगा, और आप लोग चैनल में विश्वास करिए, ठीक है, अच्छे देखते रहिए, थैंक यू।